ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज अभी हम हो चुके हैं रेडी। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा मसूरी में डे टू है और आज हम जा रहे हैं दलाई हिल्स और वहां से हमारा प्लान अभी कैंप्टी फॉल का भी बन सकता है। अगर हम गए तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमने बैग वगैरह सब कुछ पैक वगैरह कर लिया है और ये मेरे आदित्य भाई ये तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे ये जतिन भाई एटीट्यूड है, अरे ये तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारे रूम कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से और पीछे का व्यू भी काफी अच्छा है। तो गाइस अब हम वहीं जाके आपको दिखाते हैं। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just love? भाई आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है मसूरी यहाँ से, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग। कैसा लग रहा है आपको भाई? अमेजिंग व्यू, मजा आ रहा है भाई अंकल, बहुत ही प्यारा। चलो आगे चलते हैं। अमेजिंग व्यू, चलें कि तेल लगाने, थोड़ा तेल कम पड़ गया। तेल कम जाना है, कितने का लगेगा इसमें? अभी लग जाएगा 500 रुपए का। तो और अभी चल 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 चलो भाई, क्या व्यू है भाई यार, मजा आ गया भयंकर। My own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. अरे जल्दी जल्दी आ जाओ, ज्यादा चढ़ाई नहीं है भाई, ज्यादा चढ़ाई नहीं है। तुम देख सकते हो बिल्कुल भी ठंड लग रही हमको, और 400-500 मीटर है बस, ज्यादा चढ़ाई नहीं है, आ सकते हो भाई। यहाँ बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं है, आराम से आ सकते हैं। और यहाँ पे हमें एक दुकान भी मिली है, यहाँ पे मैगी पॉइंट है भाई। वैसे व्यू तो काफी अच्छा है यहाँ का, है ना? हाँ भाई, हाँ भाई, बहुत अच्छा व्यू है और मजा भी बहुत आ रहा है यहाँ पे जाने में। गाइस प्लीज, खाने पीने का जो भी सामान है वो अपना लाए, यहाँ पे जो वही तो महंगा 400-500 मीटर रेट है ना, सच में आसमान की तरह ही है अपना, जितनी ऊंचाई पे है उससे ज्यादा है। ये बढ़िया लग रहा है जो ये लगा के ना, इसमें फोटो बढ़िया आएगी आप बैठ के अगर दिखाना चाहते। तो गाइज अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं दलाई हिल्स, और गाइज ज्यादा ऊपर नहीं है, 400-500 मीटर है, इससे ज्यादा नहीं है। और अगर आपको भी यहाँ पे आना है ना, काफी अच्छी जगह है वैसे, देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और अगर आपको भी यहाँ पे आना है तो आपको सबसे पहले जो मेन मसूरी में आते हो आप, तो वहाँ पे गांधी सर्कल है, वहाँ से चार रास्ते जाते हैं, एक तो माल रोड है और दूसरा रास्ता क्लाउड एंड है, तीसरा रास्ता मसूरी वाला है, चौथा रास्ता हमारा कंपनी गार्डन वाला है। हाँ, और कंपनी गार्डन से सीधा सीधा जाना है कंपनी गार्डन वाले रास्ते में, और वहाँ से एक रास्ता तो कंपनी गार्डन के लिए चले जाएगा और एक दलाई हिल्स के लिए आ जाएगा। तो आपको दलाई हिल्स वाले रास्ते में आना है, और फिर वहाँ से आगे आगे आने के बाद यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है, और वहाँ से सिर्फ 500 मीटर है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पे आने में, तो आप आराम से आ सकते हैं। तो गाइस आप लोग एक शॉर्ट एंजॉय कीजिए और हम दिखाते हैं आपको। बिगड़ गई है। करेगी डोका खुले आम में, मम्मी को झूठ बोल के छावे के मकान पे, पापा ने पकड़ा तुझे दारू के दुकान पे, इससे ज्यादा बोलूंगा तो शॉर्ट हो जाएगा जान दे। ए, करेगी डोका खुले आम में, मम्मी को झूठ बोल के छावे के मकान पे, पापा ने पकड़ा तुझे दारू के दुकान पे, इससे ज्यादा बोलूंगा तो शॉर्ट हो जाएगा जान दे। ए, करेगी डोका खुले आम में, मम्मी को। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हम तो घूम ही रहे हैं, पर हमारे दोस्त हमारे साथ घर से ही मजे ले रहे हैं यहाँ के व्यू के, वीडियो कॉल के द्वारा। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो घर में ही रहता हूँ, एक दिन मेरे को लगा तेरी वीडियो देख देख के पूरा उत्तराखंड घूम जाऊंगा। अरे भाई आपने ये बात कह दी यार, यही बहुत है यार हमारे लिए। चलो यार बहुत बहुत धन्यवाद यार, मेरे जैसे लोग जो घर में बैठते हैं सब कुछ घर बैठे बैठे देख जाओगे, मजा आता है। अरे बहुत बहुत थैंक यू भाई यार, बहुत बहुत थैंक यू गाइज। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आपके दोस्त घर पे है और आप उन्हें वीडियो कॉल करके पूरा इंजॉयमेंट उन्हें भी दे सकते हैं, जैसे आप कर रहे हैं यहाँ पे आकर। तो जरूर जरूर करिए, और यहाँ पे
बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, बहुत ज्यादा प्यारा है। इतना भयंकर शॉट आ रहा है इसका। तो गाइस जो सामने आपको दिख रहा है वो जॉर्ज एवरेस्ट है, वहां भी जा सकते हैं आप लोग अगर आप जाना चाहे तो। बर्फ पड़ी है देख हिमालय में, वहाँ सामने आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हिमालय में बर्फ पड़ी है। तो भाई बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यार, नीचे ट्रैक भी यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि ट्रैक भी है। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है यार यहाँ का व्यू, क्या बोले इसके बारे में, तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। जतिन मैगी कैसी हो रही है? खाने दे पहले, बाद में बताऊंगा। कुमार मैगी कैसी हो रही? बाद में बताएंगे, अभी खा लेते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए नीचे और अब हम जा रहे हैं, और कैंपटी फॉल का सीन तो गाइस बना नहीं, क्योंकि सबने बोला कि भयंकर जब वहाँ जाके करना ही किया, जब नहाना नहीं है और ठंड इतनी हो रही है, तो वहाँ का ब्लॉग हम आपको गर्मियों में देंगे। तो गाइस अभी आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और होप करता हूँ कि आपको ये पार्ट वन और पार्ट टू अच्छा लगा होगा। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो गाइस मिलते हैं मैं आपसे नई वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।